हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जिन्होंने गिटार जस्ट खरीदा उनके लिए ये लेसन बनाया हूँ, और जिन्होंने काफ़ी दिनों से बजा रहे उनको भी शायद कुछ पता चलेगा अबाउट राइट हैंड, यू नो, बेसिक वार्म अप एंड बेसिक रिदम गिटार सीक्रेट्स। ओके, इसको प्लेक्ट्रम बोलते हैं, प्लेक्ट्रम आपको पता है। प्लेक्ट्रम अलग अलग वे से लोग उसको पकड़ते हैं, कोई ऐसा ऐसे पकड़ते हैं, ओके, ऐसा कोई ऐसा करते हैं, ओके, कोई ऐसा द ग्रेट वैन एलन, उन्होंने ऐसा यू नो मिड लॉ थंब के बीच पकड़ता था, क्योंकि उसको इंडेक्स फिंगर से उन्होंने टैपिंग करते थे, ओके, द ग्रेट वैन एलन। अभी हम लोग ऐसे करते हैं। ये देखिए, ये प्लेक्ट्रम है, उसको ऐसा इसको इंडेक्स फिंगर और थंब से ऐसे उसको होल्ड करते हैं। ये वेरी बेसिक लेसन है, और ये लेसन आपको मुझे लगता है यूट्यूब में आपको मिलेगा ही नहीं, क्योंकि ये वेरी सीक्रेट है, वेरी सीक्रेट, ओके, और वेरी शॉर्टकट वे में। अभी तक मैंने जस्ट 20 सेकेंड्स ही बात किया हूं, ओके। अभी लेट्स स्टार्ट विद द रिदम पैटर्न, ओके। अभी देखिए, ये प्लेक्ट्रम है, और उसको लेफ्ट हैंड को हम लोगों ने म्यूट करके रखा हूँ। उसको म्यूट मीन्स ऐसा उसका आवाज को बंद करके रखा हूँ, क्योंकि अभी पहली बात हम लोग को राइट हैंड को हम लोग को ये ट्रेन करना है, ओके। अभी पहले उसको जब भी प्लेक्ट्रम को ये और हाथ का आपका देखिए पोजीशन, देखिए मैं राइट हैंड को कहाँ रखा हूँ, ओके, ना यहाँ, इसमें भी बजाते हैं, ओके, टैपिंग हारमोनिक्स के लिए यहां बजाते हैं, ओके, यहां भी बजाते हैं, अलग अलग जगह में बजाते हैं, लेकिन अभी हम लोग फिलहाल ये मिडल, ये जो पोर्शन है उसमें मिडल में हम लोग उसको ये करेंगे, स्ट्रम करेंगे। अभी देखिए, ये डाउन स्ट्रोक है अप स्ट्रोक है। वेरी सिंपल। अभी ये मैं हमेशा सुबह सुबह ही प्रैक्टिस करता हूं, डाउन अप। अभी कॉर्ड्स आप सीखोगे, और कॉर्ड्स जितना भी है सब आपको इंटरनेट पे मिलता ही है, और ऐसा कोई आजकल लोग नहीं है, कम से कम गिटार बजाने वाला ऐसा नहीं है जिसके पास मोबाइल नहीं है, बस जिनको इंटरनेट के बारे में पता नहीं है, ओके। अभी देखिए, ये प्लेक्ट्रम है, ये डाउन स्ट्रोक है, अप स्ट्रोक, और उसको आर्म को काफी लोग यूज करते हैं रॉक गिटार में, वो लोग शोमैनशिप के लिए आर्म को, लेकिन जो ये रिस्ट है ना, ये रिस्ट को हम लोग मूव करेंगे, आर्म को नहीं। आर्म को भी कभी कभी करते हैं शोमैनशिप के लिए, ओके, रॉक गिटार में कोई करते हैं, जैज में भी कर सकते हैं, जिसमें है जिप्सी में भी करते हैं, लेकिन फिलहाल हम लोग का है डाउन स्ट्रोक अप स्ट्रोक। अभी देखिए, ये हम लोग बेसिक पैटर्न ये सीखेंगे, पहले तो आपको मेट्रोनोम यूज करना कोई उसमें कोई लॉजिक ही नहीं, मेट्रोनोम बाद में यूज कीजिए, एक बार आपको थोड़ा बजाने के लिए आ जाए तो मेट्रोनोम यूज कीजिए, क्योंकि कोई मतलब नहीं मेट्रोनोम किसमें बजाते हैं, अगर आप आपको बजाना आता है तो मेट्रोनोम यूज करते हैं, मेट्रोनोम यूज करके कोई सीखना कोई मतलब ही नहीं, सर है तो पगड़ी है बोलते हैं ना हिंदी में, आपके पास सर ही नहीं तो पगड़ी कहां से आप बांधेंगे, अभी इसके लिए पहले आपको ये आर्म को, आपको जो मसल मेमोरी है ना उसको प्रोग्राम कीजिए, आप मेट्रोनोम में मत जाइए पहले आपको। अभी कोई लोग होता है बहुत अच्छा तबला बजाते हैं, उनको तो रिदम के बारे में सब पता है ना, तो वो गिटार क्यों बजा नहीं लेते, वो तो एक सेकंड में गिटार बजाना चाहिए था, क्योंकि उसका उसका मसल मेमोरी प्रोग्रामिंग नहीं है, उनको मसल मेमोरी प्रोग्रामिंग करना। अभी मैं गिटार बजाता हूं, मुझे तो तबला 2 मिनट में बजाना चाहिए था, लेकिन मुझे प्रैक्टिस करना पड़ेगा ना, तबला सीखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, पहली बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा मसल मेमोरी प्रोग्रामिंग। ये पहले राइट हैंड का मसल मेमोरी प्रोग्रामिंग कीजिए, आप मेट्रोनोम कोई रिदम उसमें मत जाइए, पहले बेसिक, जैसे एक बच्चा कैसे वो चलना सीखते हैं, वो कोई मेट्रोनोम लेके चलना सीखते हैं क्या, वो गिरते हैं, उठते हैं, कोई जगह पकड़ते हैं, मम्मी हाथ उसको पकड़ते हैं ऐसे, ओके, ऐसा आप, और हो सके तो कोई
अच्छे लोगों के पास जाइए, कोई आपको मिसगाइड करने वाला, जिनको खुद को ही पता नहीं गिटार कैसे सिखाया जाता है, उनको खुद को ही पता नहीं गिटार कैसे बजाते हैं, यू नो लाइक आप जा सकते हैं, लेकिन अब जितना हो सके अच्छा आदमी के पास जाइए गिटार सीखने के लिए। ओके, अब ये डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप, वन टू 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 वन। पहली बार ये म्यूट करके बजा रहा हूं, म्यूट करके बजाएंगे आपको पहली बार राइट हैंड का बैलेंस पता चलेगा, क्योंकि आपने कहीं ऐसा तो नहीं बजाया ना। अभी पहली बात यूनिफॉर्म होना चाहिए, सब आपका जो वेरी कंसिस्टेंट होना चाहिए, उसका जो वेलोसिटी है ना। अभी देखिए वेलोसिटी देखिए, और देखिए मैंने ना यहां से मैं प्लेक्ट्रम को उठाया हूं, ना यहां तक लेके जा रहा हूं। जहां स्ट्रिंग खत्म होता है वहां तक ही कीजिए आप, इकोनॉमी ऑफ मूवमेंट कीजिए। ओके, और ये जो लेसन है ये आप बहुत बहुत आगे तक आप गिटार बजाएंगे, सपोज आप नेक्स्ट 40 इयर्स तक गिटार बजाएंगे तो उस दिन आपको याद आएगा ये लेसन, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है। इसके लिए मैं उसको आज मैं लेसन के साथ कुछ बातें भी कर रहा हूं, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट लेसन है, इसके बिना मुझे लगता है आपका गिटार लर्निंग प्रोसेस इनकम्प्लीट रह जाएगी। ओके, ये देखिए अभी ये जो काफी ट्यूटोरियल्स है यूट्यूब में, कितना मिनिमम 50 लैक्स ट्यूटोरियल होगा, वो लोग बोलते हैं उसको ढीला करो टाइट करो, ये ढीला टाइट कुछ नहीं होता है माय फ्रेंड्स, ये हाथ को ढीला टाइट कुछ नहीं होता है। फर्स्ट यू हैव टू प्रोग्राम योर मसल मेमोरी, जैसे आप अभी आपको मैं ढीला करो टाइट करो, आपको जितना भी मैं बोलूं आपके हाथों से कुछ नहीं होगा, आपको बजाना होगा, पहले ढीला होगा टाइट होगा। साइकिल कैसे सीखते हैं, मैं आपको बोलूंगा आप पैर को टाइट करो ढीला करो, उससे कुछ नहीं होता, यू हैव टू लर्न द बैलेंसिंग एक्ट। ओके, अभी आप ऐसे जब भी बजाएंगे आप पहले क्या करेंगे, हाथ को बहुत स्टिफ रखेंगे, देखा ना मैं कैसे बजाया हूं, देखा ना हाथ को कितना मैं करक रखा हूं। ओके, अभी आर्म का भी मैं मूवमेंट कर रहा हूं, पहले ऐसा होगा, लेकिन इससे ही आपको बैलेंसिंग एक्ट सीखना होगा। ओके, अभी उसके बाद अभी पहला आप जब पहली बार जब आप बजाएंगे उस दिन ऐसा नहीं होगा। अभी देखिए मेरा राइट हैंड कितना फ्री में मोशन रखा हूं ना, अभी वेरी फर्स्ट डे नहीं होगा, कम से कम 4-5 डेज में आपको बहुत ही अच्छा आ जाएगा आप रोज ये करेंगे। लेकिन कभी ये ट्यूटोरियल कोई बहुत ट्यूटोरियल में है आप उसको हाथ मत रखिए, उसको टाइट मत कीजिए, ढीला मत कीजिए, ये टाइट ढीला कुछ नहीं होता है। आप प्लेक्ट्रम को ऐसे होल्ड कीजिए और बजाना शुरू कीजिए, उससे कुछ नहीं होता टाइट ढीला सोचने से। जैसे बच्चा पैडल चलना सीखते हैं ना, उसको अगर बोलेंगे ना पैर को ढीला करो पैर को टाइट करो, क्योंकि उसको कुछ भी बोले उसको कुछ समझ में नहीं आता है, यू नो लाइक बिकॉज ही डजंट नो अबाउट वॉकिंग अबाउट बैलेंसिंग एक्ट। अभी आप चाइनीज सीखोगे, अभी चाइनीज को आपको कैसा पता चलेगा कौन सा ग्रामेटिकल मिस्टेक है या नहीं, प्रोनाउंसिएशन शुद्ध है या नहीं। आप कोई अगर बोल रहे हैं आप उसको सीखते जाइए या तो यूट्यूब से सीखते जाइए, लेकिन ढीला टाइट ये सब में मत जाइए। डायरेक्ट आपको मैं अभी बोल रहा हूं डाउन अप डाउन अप। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लेक्ट्रम को ऐसा पकड़िए, उसके बाद जो स्ट्रिंग्स है ना बहुत ऊपर मत लेके जाइए, ये जो है ना वेस्टेज है, ये आपका जो है ना ये आप ऐसे वेस्ट कर रहे हैं। ओके, ये आपका ऐसे बेकार जा रहा है ये टाइम ये जो है, इसके लिए यहां से शुरू कीजिए, हाथ को यहां तक लेके आइए, ये आपको प्रैक्टिस करना होगा, ये आपको मैं बोल रहा हूं इसको प्रैक्टिस करना होगा। ढीला टाइट से कुछ नहीं, आपको पहली बार हाथ का कोई कंट्रोल नहीं है, पहली बार आप जिस टाइम आप प्रैक्टिस करोगे आपका हाथ के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होगा, कुछ भी कंट्रोल नहीं होगा। ओके, अभी उसमें आप प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद हम लोग ग्रेट एल्डी मेयोला ने काफी यू नो वेरी एक्सोटिक रिदम पैटर्न्स बनाया है, वो भी आप लोगों को दिखाऊंगा, मेरा फेवरेट रिदम पैटर्न है वो, मैं बहुत कम लोगों के पास सुना हूं जो बजाते हैं, एक टिपिकल यू नो आपका एक स्पेनिश लैटिन रिदम है,
उसके बारे में भी हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन ये बेसिक्स है। ओके, और आराम से उसका प्रेयर, उसका स्पीड थोड़ा बढ़ाइए। देखिए, वन टू, एकदम जिन्होंने जस्ट गिटार खरीदा, जिन्होंने कल या तीन दिन पहले गिटार खरीदा, कभी कुछ बजाए नहीं, आप कॉर्ड पे मत जाइए ना, आपको कॉर्ड पता नहीं, कॉर्ड किसी से सीख लीजिए, इंटरनेट पे आपको सब कॉर्ड ही है, और आजकल बहुत आसान है क्योंकि हर कोई किसी को देखते है, आपका बाजू में ही कोई गिटार बजाने वाला है, देखते है। 40 years back, 30 साल पहले इतना बजाने वाला नहीं थे इंडिया में, ओके, आसाम में कोई भी, ओके। अभी उसको फर्स्ट लेसन, जिन्होंने गिटार जस्ट खरीदा, कल खरीदा जिन्होंने, उनके लिए है डाउन अप 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 डाउन अप। अभी आपका हाथ का स्पीड बढ़ाइए, एक बार हाथ के हाथ का जब स्पीड आएगा, उसके बाद आप आपका जब भी यू नो आपका कंसिस्टेंट हो जाएगा हाथ की, आप आराम से बजा सकते हैं, काफी 10 मिनट आप आराम से बजा सकते, उसके बाद आप मेट्रोनोम पे जाइए। मेट्रोनोम आपका ऐप आता है, आपका गूगल में जाके, ऐप स्टोर में जाके मेट्रोनोम करके, वेरी इजी है, सब कोई गुरु के पास पैसा देके सीखने वाला कोई चीज ही नहीं है। कम से कम 2020 में, आज का आज कौन सा तारीख है, आज मुझे लगता है 22nd ऑफ अक्टूबर में आज हम लोग ये बात कर रहे हैं। आप आजकल ये जो बेसिक्स है वो आप यूट्यूब में बहुत ही आसानी से आप सीख सकते हैं। उसके लिए गुरु के पास जाके आप पैसा तो आप दे रहे हैं, लेकिन आपको गुरु के पास आने जाने में जो 2-3 घंटा लगता है, 2-3 घंटा में आप कम से कम 200-300 अच्छा आप यू नो यूट्यूब वीडियोस देख सकते हैं। यूट्यूब से सीखिए, कम से कम आपका पैसा, समय, एफर्ट सब बच जाएंगे। कम से कम आपका यूट्यूब में कोई आपको डिस्करेज नहीं करेगा, गुरु के पास जाएगा, गुरु को जो आता है ना, गुरु अगर 10वीं तक पढ़ा है वो 10वीं तक है, वो 8वीं तक आपका ज्ञान देगा। गुरु अगर एमए है वो बीए तक ज्ञान देगा। गुरु अगर पीएचडी है तो वो आपका एमए तक ज्ञान देगा। नो आपको पास जो होगा, एक आदमी के पास जो होता है वो तो सब तो देगा नहीं। अभी गुरु को ही पूरी गिटार की 2% आता है, वो क्या देगा आपको, एक ही लेसन आपको 5 साल यू नो सिखाएगा। मेरे पास काफी स्टूडेंट्स आता है आसाम में, एक भी कुछ भी चीज बजाने के लिए आता नहीं उन लोगों को, कुछ भी। मैं उनको पूछा, उन लोगों को कितना दिन सीखा, बोला मैं 4 साल सीखा हूं, 5 साल सीखा हूं। मेरा कहने का मतलब है, अगर गुरु को बताना चाहिए, तुमको नहीं आएगा, तुम 5 साल से सीख नहीं पाएगा। गुरु को भी पैसा मिल रहा है, सिखाते जाते हैं, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता है। मेरे पास काफी लोग आते हैं, उन लोग को 3 दिन में उनका जो यू नो प्रोग्रेस होता है, मैं इसके लिए बोल रहा हूं, ये लेसन आप देखते जाइए, रोज देखिए, ये प्रैक्टिस कीजिए, तभी आपको पता चलेगा कि मैंने जितना रिदम प्रैक्टिस किया उसका और इसके बीच में कितना हेवन एंड हेल डिफरेंसेस है। ओके, फिर लास्ट टाइम एक बार बोल रहा हूं, डाउन अप 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 डाउन अप, बजाते जाइए, स्पीड दीजिए। आज तक हम लोग इतना ही सीखेंगे, कल हम लोग अलग अलग रिदम पैटर्न हम लोग सीखेंगे। ओके, अभी फिर से एक बार दिखा, डाउन अप 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 डाउन अप। थैंक यू, हैव अ ग्रेट थर्सडे, क्रिएटिव थर्सडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग the complete video. Thank you. God bless you.